जोहार झारखंड, जोहार रांची में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रांची जिला जो कि झारखंड राज्य का एक जिला है, झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, उन्हीं में से रांची एक जिला है और रांची झारखंड राज्य की राजधानी भी है। और रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर उपमंडल का मुख्यालय भी रांची शहर में ही स्थित है। तो इस रांची जिला का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो प्यारे दोस्तों, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और रांची जिला का जनसंख्या घनत्व 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रांची जिला का जनसंख्या घनत्व तो है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि रांची जिला में जितना भी झारखंड में जिले हैं, 24 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिला की ही है। ये जबरदस्त वाला जीके मैंने आपको बताया है कि झारखंड राज्य में जितने भी जिले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची जिला ही है, जिसमें कुल आबादी जो है वह 29,14,253 है। पर दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या? एक वर्ग किलोमीटर में कितना आबादी रहता है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितना आबादी रहता है। ये भी एक किलोमीटर, ये भी एक किलोमीटर, ये भी एक किलोमीटर, ये भी एक किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितनी संख्या, जनसंख्या रहती है। तो प्यारे दोस्तों, 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में 572 व्यक्ति रांची जिला में रहता है। इसका मतलब रांची जिला की आबादी बहुत ही घनी है प्यारे दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय झारखंड, जय रांची।